हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, इसमें पूछा उन्होंने, यदि एक हल्की तथा एक भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर है तो किस वस्तु का रेखीय संवेग अधिक होगा। देखिए, इसमें जो है एक हल्की वस्तु एक भारी, यानी m इसका द्रव्यमान दोनों वस्तुओं का अलग अलग है और इसकी गतिज ऊर्जा समान है। तो एक फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा के बराबर पी स्क्वेयर अपॉन 2m। इस फार्मूले से आप देखेंगे कि हम p की वैल्यू निकालें इसमें से, तो p बराबर जो आएगा अनुरूप के अंदर 2 m k। तो यहाँ देखिए p प्रोपोर्शनल कर रहा है आपका अनुरूप के अंदर m के। एक भारी वस्तु है और एक हल्की है, यानी m बड़ा होगा उसमें संवेग अधिक होगा, जिसमें m कम होगा उसमें संवेग कम होगा। तो इन्होंने पूछा है रेखीय संवेग अधिक होगा किसमें, जिस भारी वस्तु में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसमें भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, एक एम द्रव्यमान वाले पिंड को धरती की सतह से अनंत तक फेंकने की गतिज ऊर्जा होगी। तो आप देखिए, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, जो धरती की सतह से के बराबर जी एम ई एम, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है एम ई, बटे होता है आर ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन एच, आर अपॉन एच, ये आपका फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा का। अनंत के लिए इसमें एच का मान जो है आपका अनंत है, इसमें एच का मान अनंत दे रखा है मुझे, इसे आप इसमें रख देंगे और इससे आप जो है गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। तो आप ये बताइए, इसमें h की वैल्यू इनफाइनाइट रख दी जाए यहाँ, तो ये पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, बचा वन, वन का r में जुड़ जाएगा तो r ही रहेगा ये। तो आपकी जो एनर्जी बनेगी g m e m बटे r बचेगा। लेकिन एक आपका जो है रिलेशन होता है, उसका जो है जो जी एम ई होती है आपकी, जी एम ई बराबर होता है छोटी जी आर ई स्क्वेयर, एक रिलेशन होता है आपका, ये याद रखना, पूछ लेता कभी कभी छोटी जी और बड़ी जी में संबंध, जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वेयर। ठीक, तो इसमें जी एम ई की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें इस जगह पर, इस जगह, तो देखिए के बराबर क्या बनेगा आपका, जी आर ई स्क्वेयर एम बट्टे आर ई, तो आर ई से एक आर ई कट जाएगी, बचा आपका जी एम आर ई। जी एम आर ई ऑप्शन किस में है, जी एम आर ई, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जी एम आर ई, यानी इन्होंने लिख दिया एम जी आर। आर का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या है आर ई से, और आर ई का मतलब बराबर ही है, उसका मतलब नहीं, केवल आपको देखना है जी एम आर, यानी जी एम आर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, इफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बी आर then its kinetic energy maximum after covering a distance equal to। तो आप ये बताइए, इन्होंने एक मान लीजिए कोई ये है, इस तरह से आपने कोई प्रक्षेपण कोण से, यहाँ कोई एंगल होगा उससे आपने ऐसे कोई प्रक्षेपित किया वस्तु, तो यहाँ से शुरू हुई है गति और यहाँ समाप्त हुई है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो आपसे पूछा इन्होंने कि इसकी
मैक्सिमम एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी आपकी? जब उसका वेग सबसे ज़्यादा होगा। और हम जानते हैं यहाँ से वस्तु जिस वेग से फेंकी गई होगी, मान लीजिए वो यू वेग है, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक जब वस्तु जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक जाके जो है उसका वेग परिवर्तन होता चला जाता है। और ऊपर से जब यहाँ से एक क्षण के लिए यहाँ टॉप पे जाके उसका वेग शून्य हो जाता है, तो उसके बाद से ये ऐसे आती है। नहीं, शून्य नहीं होता होगा, ये तो है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो यहाँ कम हो जाएगा, फिर यहाँ से इस जगह से इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है यहाँ से यहाँ तक। एक बात वैसे बता दें आपको इसके बारे में, देखिए कि जब कोई ऐसे गति करती है तो ये उसकी महत्तम ऊंचाई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी वेग कम होती चली जाती है, फिर अगले चरण में यहाँ वेग उसका बढ़ने लगता है, लेकिन जितना वेग यहाँ था उतना ही वेग यहाँ पे प्राप्त तो हो जाता आपको। इसका मतलब यह है कि अधिकतम इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ थी, और द्वारा से अगर कुछ दूरी चलने के बाद जो अधिकतम काइनेटिक एनर्जी होगी वो इस जगह पे होगी। इसका मतलब क्या है, ये इसकी जो है रेंज जो होती है, परास होती है, इतनी दूरी कवर करने के बाद इसकी महत्तम गति ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपसे यही प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि कितनी डिस्टेंस चलने के बाद में इसकी मैक्सिमम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, उसकी आर आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक समान द्रव्यमान के दो उपग्रह ए तथा बी पृथ्वी सतह से क्रमशः आर तथा 3 आर ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं। आर पृथ्वी की त्रिज्या है, उनकी कक्षा में वृत्ताकार मानते हुए उनकी गति ऊर्जा का अनुपात होगा। तो देखिए, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जो होता है इसका वेग का फॉर्मूला, वो होता है आपका अंडर का अंदर जी आर ई स्क्वेयर बट्टे आर ई प्लस एच। ये आपका फॉर्मूला होता है वेग का। हमें इससे निकालनी है इसकी गतिज ऊर्जाएं। दो ऊंचाई दे रखी है, एक ऊंचाई है आपकी आर और दूसरी ऊंचाई है 3 आर। आर, कैपिटल आर का मतलब है पृथ्वी की त्रिज्या से है, यहाँ दे रखा है उन्होंने आर पृथ्वी की त्रिज्या है। तो आपको जो इनकी गतिज ऊर्जा जो मानी जाती है, काइनेटिक एनर्जी, वो होती है 1/2 mv². तो मान लीजिए यहाँ निकालेंगे ऐसे करके, लेकिन हमें दो कंडीशन में उनकी ऊर्जा निकालनी है। कितनी कंडीशन में? दो कंडीशन में। तो उसके लिए चलिए हम चलते हैं, इसे अच्छे से समझते हैं। इसकी मान लीजिए K1 और K2 मान लेते हैं। पहली एनर्जी है आपकी काइनेटिक एनर्जी K1, दूसरी है आपकी K2, बराबर होती है 1/2 mv1² बटे 1/2 mv2² तो आपका ये तो दोनों के लिए समान है, ए समान द्रव्यमान के दो उपग्रह हैं, इसलिए इनका एम कट जाएंगे, केवल v1/v2 का स्क्वेयर बचेगा। लेकिन हमने आपको अभी बताई थी एनर्जी, वो क्या वेग, वो अंडर के अंदर जी आर ई स्क्वेयर बटे आर ई प्लस एच बताया था, तो हम इसमें मान लगा देते थे दोनों का कॉमन करके, जी आर ई स्क्वेयर बटे आर ई प्लस, पहली एच आपकी आर है, ये वो आपका होया वी वन, अंदर था वो स्क्वेयर साइड गया, बटे जी आर ई स्क्वेयर बटे आर ई प्लस, दूसरी ऊंचाई थी 3 आर, आर को हम पृथ्वी की त्रिज्या मान रहे हैं, जैसे आर ई कर लेते हैं, ये आर जी आर ई स्क्वेयर से जी आर ई कट जाएगा, ये आपका पहुंचेगा सबसे टॉप पर ऐसे करके यहाँ पर। तो अब आपकी जो बनेगी K1/K2 बराबर 3 और 1 4
आर ई अपॉन ये 2 RE, कटने के बाद 2 बचेगा, तो उनकी गति ऊर्जा का अनुपात होगा। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, नहीं सॉरी, जो डी है, फोर्थ आंसर है, इसमें 2 है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इनका अनुपात 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो द्रव्यमान आपके सामने दिए गए हैं, 2 kg और 4 kg, एक 1.33 न्यूटन प्रति मीटर बल नियतांक के स्प्रिंग से जुड़े हैं, तथा एक घर्षण रहित मेज पर रखे हैं। दोनों द्रव्यमानों को एक दूसरे से दूर थोड़ा खींचकर छोड़ दिया जाता है, दोनों की गति ऊर्जा का अनुपात होगा। तो इसमें देखिए, इन्होंने कहा है गति ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है, तो मान लीजिए हम इसमें के बराबर जो होता है फॉर्मूला आपका, संवेग के रूप में ले रहे हैं। और संवेग के रूप में क्यों लेंगे हम इसे, क्योंकि जब दो पिंड आपके इस तरह से स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं ऐसे, इनको थोड़ा खींच के रखेंगे तो स्प्रिंग में जो टेंशन होगा वो दोनों पर बराबर रहेगा, और इन पर जो है संवेग दोनों में जो होगा वो बराबर क्रिएट होगा। तो बराबर जब संवेग क्रिएट होगा तो आपका पी ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो के प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा अब वो हो जाएगा 1/m के। तो अगर हम इसमें K1/K2 निकालें, K1/K2 बराबर वो हो जाएगा M2/M1, तो M2 की वैल्यू आपको पता कितना है, 4 है, M1 की वैल्यू 2 है, तो ये आपकी कटने के बाद 2/1 बचेगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने अगला प्रश्न दे रखा है इन्होंने, किसी एक समान डिस्क एम द्रव्यमान है, आर डिस्क की त्रिज्या का अपने केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आई 1/2 m² है। यदि डिस्क अपने सिरे पर एक सीधी रेखा में बिना फिसले घूम रही है तो उसकी गुणन गतिज ऊर्जा और स्थानांतरित गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। तो देखो, ये जो होती है इनकी गतिज ऊर्जा वो के बराबर जो होती है वो होती है आपकी 1/2 mv² और घूर्णन गतिज ऊर्जा जो होती है वो आपकी मान लीजिए के रोटेटरी आप मान लिया हमने, वो होता है 1/2 I ω². ओमेगा की वैल्यू होती है आपकी वी बराबर आर ओमेगा होता है, एक फॉर्मूला आपका वी बराबर आर ओमेगा, तो इसे ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो वी अपॉन आर हो जाएगा। ये कोणीय वेग होता है, ये रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है, ये वाला वी बराबर आर ओमेगा, तो इससे वी अपॉन आर बन जाएगा। इसमें इसका मान आसानी से हल कर लेंगे। और आई की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पे, आई की वैल्यू 1/2 mr² दे रखी है उन्होंने, तो मान लीजिए के आर आपका बन जाएगा 1/2 × I की वैल्यू 1/2 mr² और ओमेगा की वैल्यू होती है v² / r² तो r² से r² कर जाएगा, आपका बचेगा ये 1/4 mv². अब देखिए दोनों में देख रहे होंगे mv² यहाँ पे भी है, mv² यहाँ पे भी है, और इसमें जो है रेशियो हमें निकालना है, तो 1/2 और 1/4 का निकाल लेंगे तो आपका 1/2 आ जाएगा। जब इसका भाग हम इसमें करेंगे तो 1/2 बार कटेगा, और आपका देखिए ऑप्शन 1/2 कहाँ पे है, इसमें ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाए तो संवेग में
आनुपातिक परिवर्तन होगा। देखिए अगर इनकी गति ऊर्जा दुगनी हो जाए तो देखिए एक फॉर्मूला था संवेग के रूप में, मैंने अभी ये बताया था आपको कि काइनेटिक एनर्जी में जो होता है के बराबर संवेग के रूप में पी स्क्वेयर अपॉन 2m होता है। इसमें बात की है काइनेटिक एनर्जी दुगनी होने पर संवेग में क्या परिवर्तन होगा, यानी कि के वन बराबर के मान लीजिए, के टू बराबर 2k मान लीजिए। तो आप मान लीजिए हम इसे लिखते हैं के वन बटे के टू, फॉर्मूला बना लेते हैं पहले से, वो पी वन बटे पी टू बनेगा आपका, यही तो बना स्क्वेयर है ना, तो स्क्वेयर लगा रहेगा वो। और के वन की जगह पे आप लगा दीजिए कितना के, और के टू जब लगा दीजिए 2k, क्यों डबल काइनेटिक एनर्जी हो रही है ना के टू में, पी वन स्क्वेयर बटे पी टू का स्क्वेयर, के से के यहाँ कट जाएगी और ये जो है 1/√2। और हमें निकालना है क्या ये, चलिए इसे हल करते हैं, पी वन बटे पी टू क्या आएगा, 1/√2, पी वन बटे पी टू आपका आएगा 1/√2। तो पी टू की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो आता है पी वन 1/√2, यानी कि पी वन का 1/√2 गुना हो जाएगा। देखिए कहाँ है 1/√2, ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब गतिज ऊर्जा आपकी दोगुनी कर दी जाए तो 1/√2 गुना संवेग हो जाएगा, ये आपका इसका आंसर हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।